पाकिस्तान का क्या होगा? पिछले 3 दिन से लोग यही पूछ रहे हैं। एक तरफ तो महंगाई की मार और दूसरी तरफ गृह युद्ध के आसार। इमरान खान की गिरफ्तारी कहीं पाकिस्तान के टुकड़े ना करा दे। पर गिरफ्तारी की आखिर वजह क्या है? देखो, पाकिस्तान की सरकार तो काला धन और देशद्रोह की वजह बताकर पकड़ के ले गई, पर क्या असली वजह यही है? नहीं, इमरान की अमेरिका से नजदीकी और उनका चाइना कॉरिडोर के लिए विरोधी स्वर पाकिस्तान के बाप चीन को पसंद नहीं आया और चीन ने रास्ते से हटाने का इशारा कर दिया और मालिक की जी हजूरी करके पाकिस्तानी सरकार ने खान साहब को गिरफ्तार कर लिया। और तो और, पूरे दिन सुसु तक जाने नहीं दिया। पर देखिए, ये सब तो खबरें हैं और हम सिर्फ आपको बता रहे हैं। खैर, रात की बात यह है कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इस गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया है। मियाँ, छूट जाओ तो निकल लो, पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता, अपनी जान बचाओ। गाइस, दाने दाने के लिए तरस रहे पाकिस्तान के पास अब सिर्फ 3 दिन का राशन पानी बचा है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि 1 किलो आटे के लिए भी मारामारी शुरू हो गई है। यही नहीं, भूख से बिलबिला रहे अवाम की जान बचाने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने मित्र देश चीन और सऊदी अरब से मदद की गुहार लगाई तो उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए, जिससे निराश होकर पाकिस्तान ने IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और अमेरिका से भी मदद मांगी। लेकिन पहले ही बहुत ज्यादा लोन देने के चलते IMF और अमेरिका दोनों ने ही पाकिस्तान की मदद करने से इनकार कर दिया। ऐसे में अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हर तरफ से हताश और मजबूर पाकिस्तान भारत से आर्थिक मदद ले सकता है। लेकिन गाइज, अगर ऐसा होता भी है तो क्या हमें पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।